हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंबल्स ऑफ द स्टेट, और आज का हमारे पास स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो स्टेट पक्षी है, एनिमल है, फ्लावर है, फ्रूट है या प्लांट है, ट्री है, उसके बारे में बताएंगे। नंबर वन, हिमालयन मुलान, जिसको हिमालयन मयूर के नाम से भी बोलते हैं, और ये लगभग 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की हाइट पर मिलता है। नर मोनाल जो होता है उसको डाफिया के नाम से बोलते हैं, और ये इंसेक्ट्स को खाता है। साथ के साथ इसका पसंदीदा फूड जो होता है वो आलू है। मोनाल जो होता है अपने अंडे चट्टानों व पेड़ों के छिद्रों में देता है, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये घोंसला नए बनाने वाला पक्षी है। दो नंबर पर हमारे पास है एल्पाइन मस्क डियर। एल्पाइन मस्क डियर मतलब जिसको हम कस्तूरी मर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये लगभग 3600 से लेकर 4400 मीटर की हाइट तक मिलता है, और उत्तराखंड के अंदर इसकी चार वैरायटियां मिलती हैं, जिसका रंग जो है भूरा और शरीर पर नीले और काले रंग के धब्बे हैं। इसकी आयु लगभग 20 साल तक होती है, और गर्भधारण का समय जो होता है वो 6 महीने होता है। ये तीन साल में एक बार कस्तूरी प्रदान करता है, जो सिर्फ मेल ही देता है। लगभग 30 से 45 ग्राम तक प्रोवाइड करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारे पास ब्रह्म कमल। देखिए, ब्रह्म कमल का कलर जो होता है एक तरीके से ऑरेंज रेड या रेड कलर के नाम से बोलते हैं, और ब्रह्म कमल जो होता है लगभग आप इसको ये बोल सकते हैं कि 4800 से लेकर 6000 मीटर की हाइट पर है, मिलता है। उत्तराखंड में इसकी 24 वैरायटियां हैं, और जून और सितंबर में इसके फ्लावर मिलते हैं। उसके बाद है बुरसान, जिसको स्टेट ट्री के नाम से बोलते हैं। बुरसान के फ्लावर जो होते हैं वो आपको दिख रहे हैं, लगभग पिंकिश रेड हैं। अब ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट की एक खासियत है कि लगभग ये प्लांट जो होता है 1500 से लेकर 4000 मीटर की हाइट पर मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है, यानी प्लांट के साथ उसके फ्लावर्स का कलर चेंज हो जाता है, यानी लगभग 1100 मीटर की हाइट पर इसके फ्लावर्स का कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है। इसके साथ साथ फरवरी से अप्रैल तक इसके फ्लावर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है नंबर फाइव, स्टेट फ्रूट। स्टेट फ्रूट जो होता है काफल्स या काफोल के नाम से बोल सकते हैं। इसका जो टेस्ट होता है बड़ा ही मीठा होता है, और लगभग आप देख सकते हो कि प्लेन एरिया में एक सैतूत का प्लांट जो मिलता है उस जैसा ही ये दिखाई देता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, सब्सक्राइब।